जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं प्रिय बंधुओं को गणेश जी स्थापना, जो कि दरवाजे पर स्थापित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्वार गणेश जी। क्योंकि इन दिनों में ग्रह प्रवेश के पावन मुहूर्त चल रहे हैं, तो कुछ आवश्यक जानकारी आप तक मैं पहुंचाता हूं कि दरवाजे पर जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो कैसे गणेश जी हों। यदि हमारे पुराना घर है और गणेश जी अगर हमारे वास्तु और अपने शास्त्र प्रमाणित नहीं है तो गणेश जी का परिवर्तन कर सकते हैं, गणेश जी की दूसरी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। तो आज का मेरा बिंदु श्री गणेश जी के लिए ही समर्पित है और गणेश जी के बारे में ही बता रहा हूँ। जब हमारा नया घर बनता है तो प्रिय बंधुओं, इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा मुख्य दरवाज़ा होता है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, मुख्य दरवाजे के दो अर्थ हैं, यानी कि जो सड़क से आप अंदर आते हो, गैरेज के दरवाजा नहीं, जहाँ से आप मुख्य भवन में अंदर अपने घर में प्रवेश करते हो, तो वहाँ दरवाजे पर हमें गणेश जी की स्थापना करना परम आवश्यक है। ये कब से स्थापना की है, इसका मैं अगला इतिहास जब पुराणों और इतिहास में जाएंगे तो आपको बताऊँगा। कभी ज्योतिषीय वास्तुशास्त्रों के बिंदु से हमारे दरवाजे पर गणपति सामने देखते हों। अब ये भी इसमें एक संदेह का निवारण मैं कर देता हूँ कि यदि आपका घर दक्षिण फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, दक्षिण की तरफ देखने वाला है, तो हमारे कुछ ग्रंथों में लिखा है कि दक्षिण फेसिंग गणेश जी नहीं होने चाहिए। ये बात सर्वविदित है, घर में कैलेंडर मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन द्वार गणेश जी जिस तरफ दरवाज़ा होगा, जहाँ से तुम आसानी से अपनी सड़क को देख पाते हैं, वहाँ पर द्वार गणेश जी दक्षिण दिशा में दोष नहीं होता है। यद्यपि ये अत्यंत ज्ञान गरिमा की बात मैं बता रहा हूँ, किंतु इसमें मैं चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाएं। एक दुर्लभ गणेश जी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं दर्शन करा देता हूँ। आपके दरवाजे के आगे ऐसा हो जो आर पार दरवाज़ा हो, तो देखो गौर से देख रहे हैं आप, ये गणेश जी कितने प्यारे, कितने सुंदर हैं और उतने ही आपके जीवन में खुशियां और सफलता देने वाले होते हैं। अब आप देखोगे कि गणेश जी का इधर ये श्री विग्रह का मुखारविंद है और पीछे की तरफ भी इनका मुखारविंद है, तो तीन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। नंबर एक कि गा माने गणेश, गणेश जी की सूंड किधर हो, जो हम दरवाजे पर लगाएं, जैसे हिंदी में ग बनता है या इंग्लिश में जे बनता है, ध्यान रहे इंग्लिश में एल नहीं बने, अर्थात मूर्ति के लेफ्ट में गणेश जी जाएंगे हमारे राइट में, यानी मूर्ति के लेफ्ट में गणेश जी जाएंगे हमें राइट दिखेंगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब भगवान गणेश जी की सुंडी को पढ़ेंगे तो एल या ग गणेश पढ़ना चाहिए, ऐसे गणेश जी की स्थापना करें। और जो आचार्य महोदय, जो विद्वान पंडित जी आपके गृह प्रवेश करने आए हैं, उनसे आग्रह करें कि इनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करें, समय समय पर गणेश जी की पूजा करते रहें, तो आप देखेंगे आपके घर में कोई विघ्न प्रवेश ही नहीं करेगा। जब आपका पूरी तरफ से ताला बंद है, हर तरह से आपका घर सुरक्षित हो जाएगा और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आते समय गणेश जी को नमन करें, जाते समय मन ही मन गणेश जी को नमन करें, ऐसा नहीं आप मुड़ मुड़ के बार बार प्रणाम करें, लोग उनसे प्रदर्शन का कारण बने, मन से श्रद्धा, हे गणेश जी आपके चरणों से हम प्रवेश कर रहे हैं, आप हमें घर में सुकून दो, और जब बाहर निकलें तो हे प्रभु आपके चरणों के नीचे से हम जा रहे हैं, किसी आवश्यक प्रयोजन से हमारे आयोजन को सफल बनाएं। द्वार गणेश जी, अब इसमें एक भेद ये भी होता है, किन्हीं के यहाँ फ्लैट्स में या कहीं बीम होता है या कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आर पार नहीं होता है, तो वहाँ पर आप दो गणेश जी की मूर्ति लाएं, जो डेफिनेशन मैंने बताई है, एक आगे मंदिर बना दें या कोई पत्थर का सपोर्ट दे करके स्थापित कर दें गणेश जी को ठीक से, और उसी प्रकार से अंदर दो मूर्ति, यानी दीवार बीच में होगी, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ऐसे भी गणेश जी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर समस्या आती है कि बहुत छोटी जगह होती है, तो वहाँ पर आप बहुत छोटे किसी पीतल तांबे के या मेटल के या चित्र भी लगा सकते दोनों तरफ,
तो भी आपको गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यदि ये क्रिया नए घर में पुराने घर में दोनों में लगाने के लिए आपको बराबर अधिकार है। जितनी बार आप लगाएंगे, जो आप करेंगे, आपको गणेश जी की कृपा हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे मालिक गजानंद भगवान श्री गणेश जी हैं। गणेश जी के बारे में जितना भी मैं बताऊंगा उतना कमी है, पूरा गणेश पुराण भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी गणेश जी की महिमा ना कोई गा सका है ना कोई गा पाएगा। गणेश जी महाराज को प्रणाम करके आज मैं द्वार गणेश जी के बारे में आपको तीन बिंदु पुनः स्पष्ट करता हूँ। पहला कि दो मुख वाले गणेश जी रखें, अगर आर पार बिंदु है, फिर उसमें चिड़िया कबूतर आने का खतरा ना रहे तो कांच का दरवाज़ा लगा दें, जो समय पर खुल जाए, पूजा करने पर समय पर बंद हो जाए। यदि आपकी दीवार में आर पार नहीं हो सकता तो दो तरफ दो गणेश जी की मूर्ति लगा दें, इन साइड और आउट साइड, घर के अंदर तो देखने वाला और घर के बाहर की तरफ देखने वाला। इन केस अगर आपको ऐसा घर है कि जहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती, डजेंट मैटर, हमारे गणेश जी श्रद्धा के अपार सागर हैं और हमें उनके प्रति श्रद्धा तो रखना ही है, क्योंकि उन्हीं से हमारे जीवन में सब कुछ सफलता प्राप्त होती है। तो क्या करें कि आगे पीछे चित्र लगा दें, उन्हें गणेश जी का भाव प्रदर्शित करें, तो भी आपके जीवन का कल्याण होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे गणेश जी को द्वार पर अवश्य रूप से स्थापित करें। जय श्री गणेश एवं जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।